नमस्कार साथियों, सभी का वेलकम। देख दोस्तों, बात करेंगे कृषि सहायक अधिकारी भर्ती के बारे में। सहायक कृषि अधिकारी का पेपर 28 मई 2022 को आयोजित किया गया, तो मैं राजस्थान जीके से संबंधित सभी प्रश्नों के आंसर बता रहा हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और पेपर का लेवल देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, यहाँ से आपको समय समय पर राजस्थान की विभिन्न भर्तियों संबंधित अपडेट न्यूज मिलती रहती है। तो देखिए, पहला प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया, 56 की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में है? तो बिल्कुल ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा, बाड़मेर। देखिए, 56 की पहाड़ी बाड़मेर में है और 56 के मैदान की यदि बात की जाए तो ये प्रतापगढ़ और अपने ये बांसवाड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ 56 की पहाड़ी है जिसमें नाकोड़ा पर्वत कहते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 2 मिलान करना है, शुष्क रेतीला मैदान लूनी बेसिन, शेखावटी प्रदेश और गगर का मैदान। देखिए, गगर का मैदान जो गगर नदी है उस भाग को अपन नाली कहते हैं, तो डी का ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर, गगर का मैदान नाली हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर है डेगाना दिया हुआ है। देखिए, डेगाना किस प्रदेश में है, हालांकि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी इसके अकॉर्डिंग देखें अपन तो शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश में सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिले आते हैं और नागौर का कुछ भाग भी शामिल है इसमें। तो ऐसे में यह करेक्ट आंसर डेगाना हो जाएगा। और आप जो ये वीडियो देख रहे हो, ये डेगाना सही है, प्रॉपर डेगाना जो नागौर ज़िले का नगर पालिका क्षेत्र है जिसे अपन टंगस्टन नगरी भी कहते हैं और मैं वहीं से रिलेटेड हूँ। तो देखिए, थर्ड इसमें पूछा गया है पचपदरा, आपको पता है खारेपानी की झील है बाड़मेर में, तो ये लूनी बेसिन का भाग हो जाएगा, लूनी बेसिन। और 4 नंबर ऑप्शन है बाप, बाप एक बहुत जोधपुर की जगह है, जोधपुर की झील है खारे पानी की, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा शुष्क रेतीला मैदान ऑप्शन है। तो इसको अकॉर्डिंग देखें अपन तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा उद्गम सही नहीं है, नदी का उद्गम स्थल दिया हुआ है, दिवेर नदी है बिल्कुल, कोटारी नदी कोटारी नदी तो कोटारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल ओके है, दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद, खनौर, लूणी, ये गलत है। लूणी नदी है वो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, खनौर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है, बिजराल की पहाड़ियाँ खारी बिल्कुल ओके है, बिछेमड़ा सोम ओके है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा और आप चेक कर लेना। कोपेन का वर्गीकरण दिया हुआ है, तो देखिए BSSW में अलवर नहीं आता है, एक तो यहाँ सी ऑप्शन गलत है, और BWSW में बीकानेर नहीं आता है, ये भी यहाँ गलत है। तो सही ऑप्शन बताना है, तो सही ऑप्शन में आप यहाँ देख सकते हैं AW झालावाड़ बिल्कुल ओके है, तो ऑप्शन ए वाला चेक कीजिएगा जिसमें ऑप्शन ए और डी, तो बिल्कुल ऑप्शन ए और डी करेक्ट होगा यहाँ पर, और आप चेक कर लेना। CWG राजस्थान के दक्षिणी भाग का भाग है बांसवाड़ा, तो यहाँ पर बिल्कुल CWG नहीं है, तो बी तो होगा ही नहीं। और अलवर है वो पूरी भाग में आता है राजस्थान में, और पूरी भाग में CWG आता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ ऑप्शन 4 होगा। देखिए, आरक्षित वन पूछे हैं 31 दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंग, तो आरक्षित वन है उदयपुर में है, रक्षित वन है वो झालावाड़ में, बारा में और एवर बीकानेर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, लोएक्स कहाँ निकलता है, तांबा कहाँ निकलता है, सीसा जस्ता कहाँ निकलता है। देखिए, टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन डेगाना भाकरी, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ प्रॉपर, हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर है ये, केवल 3 किलोमीटर दूर घर से दिखाई देती है, तो टंगस्टन D1, तो D1 चेक कीजिएगा जिसमें D1 है, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चौथ का बारवाड़ा सवाई माधोपुर है, सीसा और जस्ते के लिए डाबला सिंगाना, ये डाबला सिंगाना अपने झुंझुनू में हो गया तांबे के लिए, और आप चेक कर लेना इसको। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए में 4 हो जाएगा, ए में 4 लोएक्स डाबला सिंगाना है, बी में 3 हो जाएगा, तांबा है वो खोदरीबा अलवर में है। 2019 की पशुगणना अनुसार सबसे अधिक पशु बकरी की नस्ल है, कैसरबाग अभयारण्य धौलपुर में स्थित है,
यहाँ पर परिणति 2010 है। यहाँ पर चेक कर लेना, सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई थी 2004 और 5 के में अकाल पड़ा था भयंकर रूप से। राजस्थान मरु विकास कार्यक्रम 1977-78। फिर यहाँ परियोजना दी भी है, अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है। देखिए जाकम नहीं है और जवाई नहीं है। जवाई परियोजना पाली उदयपुर से संबंधित, जाकम प्रतापगढ़ से संबंधित, तो ए और सी ऑप्शन 4 यहाँ बाड़मेर हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर रावत बाटा है और डी पर चले जाइए आप। रामगढ़ में प्राकृतिक गैस है, बड़ा भाग सौर ऊर्जा है, ये आप चेक कर लेना इसको। गलत युग में कौन सा है, तो हनुमानगढ़ बड़ोपोल ये गलत है, बाकी बिल्कुल ओके है। ये बागौर की सभ्यता से संबंधित प्रश्न है, यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। कोकिल देव कचाओ वंश से संबंधित थे, कोकिल देव जिन्होंने बाद में आमेर को अपनी राजधानी बनाया था, पहले इनकी राजधानी दौसा थी। अमर सिंह प्रथम 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी जहांगीर और अमर सिंह प्रथम के बीच, इसका आप चेक कर लेना। 1907 में हितकारी सभा है वो चूरू से संबंधित है। देखिए मतीय संघ किसकी समिति, तो यहाँ पर शंकर देव राव देव समिति। पी सत्यनारायण समिति से जयपुर बनाया गया राजधानी। फैजल समिति की तरफ से 26वां जिला बना अजमेर। बढ़ेर सिरवी जाति का मंदिर है, आई माता का मंदिर, ये अपने बिलाड़ा में है, बिलाड़ा जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। सिरवी जाति की कुल देवी आई माता, तो बिल्कुल ऑप्शन 3 होगा। 3 बार मुख्यमंत्री शिवचरण, सॉरी यहाँ पर 3 बार पूछा है, इसको आप चेक कर लेना, ऑप्शन 3 हो सकता है यहाँ। ये किस देसी रियासत के चित्रकार थे, तो बिल्कुल जयपुर हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ करेक्ट आंसर होगा, जयपुर, जयपुर करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, एक बार इसको चेक कर लेते हैं अपन, 3 बार मुख्यमंत्री वाले को। भैरू सिंह शेखावत करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राग कल्पद्रुम के रचनाकार, पुंडरीक विठल, ऑप्शन 3। नाना साहब का जालरा और इब्राहिम जी का जालरा किस जलाशय में, किस किले में है, तो ये किला है तारागढ़, इसको चेक कर लेना, बिल्कुल ओके आंसर है ये। दादू पंत की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई, तो सुंदरदास, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। कोलू फलोदी में, फलोदी जोधपुर में, और ऑप्शन 3 बाबूजी। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर में है और यहाँ से मधुमती, ऑप्शन 2। पूर्वाई क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हवा है, तो ये कृषि से संबंधित क्वेश्चन है, उनको आप चेक कर लेना, जिसके आंसर कन्फर्म है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एडोसोल्स हो जाएगा, ऑप्शन 4। एडोसोल्स का मतलब शुष्क मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी। यहाँ पर फास्फोरस हो जाएगा, चेक कर लेना इसको आप। जिप्सम का प्रयोग सारी मिट्टी में, बिल्कुल ऑप्शन 2 करेक्ट होगा यहाँ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो भी क्वेश्चन जो आ रहे हैं मेरे को, जिसके आंसर कन्फर्म उसी से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं। देखिए फल पकड़ने के लिए यहाँ पर कौन है, तो जिब्रेलिन हो सकता है यहाँ। ये देखिए सांख्यिकी का प्रश्न है,
प्रश्नों के योग में कुल संख्या का भाग देने पर माध्य प्राप्त होता है, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। सहसंबंध गुणांक का इकाई माप माइनस एक से प्लस एक होता है, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ल इक्वेशन का सहसंबंध गुणांक है, यहाँ पर कोटि पूछेगी आर माइनस वन टी माइनस वन होगी, बिल्कुल ओके है ये भी। बाकी ये एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन है। मिर्च का तिखापन किस कारण होता है, कैप्सिसिन के कारण होता है, बिल्कुल ओके ही है। कृषि से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा है क्योंकि एग्रीकल्चर का ये पेपर है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 कुल 150 क्वेश्चन पूछे गए। मारवाड़ी किसकी नस्ल है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और ये बिल्कुल बकरी की नस्ल है, चेक कर लेना, ऊँट और घोड़ा नहीं है यहाँ पर, तो उपरोक्त सभी नहीं होगा। बकरी की नस्ल है मारवाड़ी और भेड़ की भी नस्ल मारवाड़ी होती है, दोनों में। यहाँ पर 20.84 हो जाएगा, बिल्कुल ओके ही है। तो ये आज का कृषि सांख्यिकी का पेपर, सहायक कृषि अधिकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेशम कीट की प्रजाति है यहाँ बॉबिक्स मोराई, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा।